प्रतीक ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज पुनः टॉप 6 करंट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो आपके होने वाले आगामी एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अतः आप इसे पूरी तरह गंभीरतापूर्वक देखेंगे और इसे अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। राजदूत मतलब उच्चायुक्त, यानी भारत की ओर से सर्वोच्च अधिकारी जो बांग्लादेश में काम करेंगे। और ऐसा प्रणाली है कि भारत का भी अधिकारी होते हैं दूसरे देश में और दूसरे देशों का भी अधिकारी भारत में होते हैं। उनका काम ही होता है एक दूसरे के बीच में काम करते रहना, दोनों के बीच में मध्यस्था मेडिएटर का काम कर, दो देशों के बीच में मध्यस्था बनाने का कार्य करते हैं राजदूत, जिसे उच्चायुक्त भी कहते हैं। भारतीय विदेश सेवा के द्वारा इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रत्येक देशों के लिए। तो बांग्लादेश में भारत का राजदूत विक्रम दुरई स्वामी, विक्रम दुरई स्वामी को भारत का क्या बांग्लादेश में भारत का राजदूत बनाया गया है। बांग्लादेश के बारे में जान जाते हैं कि इसकी राजधानी ढाका है, जिसकी प्रधानमंत्री अभी शेख हसीना है, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाए शुरू किया है। एक ऐसा स्वतंत्रता दिवस जो अभी 15 अगस्त जो भी गया 74 स्वतंत्रता दिवस से ऐसी योजना है कि डिजिटल को ज़्यादा अपनाएं, डिजिटल को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और लोग आसानी पूर्वक घर घर में ही फ़ोन के माध्यम से डिजिटल के माध्यम से अपने आप को क्या करें, बैंक नहीं जाएं, घर पर ही क्या करें, काम करें। इसीलिए एक कार्यक्रम चलाया गया, अभियान चलाया गया है कि डिजिटल अपनाएं। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो बैंक में ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने 4 महीने के अंदर में जो ग्राहक जिस बैंक में डिजिटल बैंकिंग प्रणाली लेंगे, तो जितने यूजर होंगे, जितने ग्राहक लेंगे, उतने ग्राहक के दर से पाँच रुपये प्रति यूजर मतलब ग्राहक को जोड़ 5-5 रुपये पीएम केयर में क्या किया जाएगा, फंड में पैसा दिया जाएगा, बैंक देगी 5 रुपये प्रति यूजर के दर से पैसे देगी। किस लिए, डिजिटल जो अपनाया इसके चलते, मतलब जिस बैंक का ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करेगा, बैंकिंग प्रणाली अपनाएगा, डिजिटल प्रणाली अपनाएगा, उतना ही दर से उसको क्या किया जाएगा, 5 रुपये प्रति क्या जाएगा, पीएम केयर फंड में पैसा दिया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, इसमें इसकी घोषणा हुआ है 74th स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में इसका हुआ है कि डिजिटल बैंकिंग प्रणाली एडॉप्ट करने वाले प्रति ग्राहक की दर से 5 रुपये पीएम केयर फंड में जमा किए जाएंगे। इसको अपनाने वाला कौन सा बैंक है, किस बैंक ने अपना शुरू किया है, वो किया है पीएनबी ने। इसका फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। यह भारतीयों के द्वारा सर्वप्रथम खोला गया बैंक है। इसकी स्थापना 1894 में खोला गया था, जिसको स्टार्ट करने वाले थे लाला लाजपत राय। और
मजीठिया। इसका हेड क्वार्टर अभी है नई दिल्ली में है। पीएनबी के बारे में कि भारतीयों के द्वारा सर्वप्रथम खोला गया बैंक है, व्यवस्थित बैंक है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता भी है कि भारतीयों के द्वारा सर्वप्रथम कौन बैंक खोला गया था, तो पीएनबी, जिसकी स्थापना 1894 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय और मजीठिया थे। अगला है कि गो एयर एक हवाई जहाज कंपनी है जिसकी स्थापना 2005 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जिसके संस्थापक हैं जेड बाडिया। सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, इनको सीईओ बनाया गया है कौशिक खोना। कौन सा राज्य स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन की रैंकिंग की में शीर्ष पर रहा है, तो स्वास्थ्य के कार्यक्रम में, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कि वहाँ पर हॉस्पिटल अच्छे से काम कर रहे हैं, डॉक्टर ज़्यादा अवेलेबल हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता ज़्यादा हैं, स्वास्थ्य संबंध जन कल्याण योजना ज़्यादा चल रही है, कौन सा राज्य है, तो वह राज्य है पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, जिसके सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और गवर्नर हैं बिजेंद्र पाल बिजनौर। अगला क्वेश्चन है, किसने डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा किया है, तो यह शुरू करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है कि डॉल्फिन को नदी में या महानगरों में क्या करने के लिए, महासमुद्र में बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए यह क्या परियोजना क्या की गई है, शुरू की गई है, तो यह क्या किसका डॉल्फिन का को संरक्षण करने के लिए परियोजना प्रारंभ की गई है, किनके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क, एक ऐसा मास्क बनाया जा रहा है जिस मास्क में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहेगा और उसके प्रभाव के कारण जो भी वायरस आएंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के प्रभाव के कारण वे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाने वाला कौन सा यूनिवर्सिटी है, तो यह है जादवपुर विश्वविद्यालय। कहाँ पर है, तो कलकत्ता में है। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक मास्क में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग होगा जिसके प्रभाव के कारण किसी भी प्रकार के वायरस का अंत हो सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक मास्क में किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इस्तेमाल हो किया जाएगा और इसके प्रभाव के कारण कोई भी वायरस क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो जिससे आसानी पूर्वक कोई भी वायरस शरीर में इंटर नहीं कर सकता है। देखिए टॉप सिक्स में पहला क्वेश्चन,
कि बांग्लादेश में भारत का राज किसे नियुक्त किया गया है, तो विक्रम दुरईस्वामी को। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग अभियान डिजिटल अपनाया शुरू किया है, तो 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर किया गया है। और इसमें जो भी ग्राहक डिजिटल प्रणाली को अपनाएंगे उस और जितने ग्राहक अपनाएंगे उस उतना के दर से 5 रुपये के दर से पीएम केयर फंड में जमा होगा। पीएनबी गो एयर के नए सीईओ किसको, गो एयर एक एयरलाइंस है जिसके नए सीईओ कौशिक खोना को बनाया गया है। और कौन सा राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संचालन के रैंकिंग के कार्यक्रम शीर्ष पर रहा है, तो अब पंजाब है। किसने डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा किया है, वो नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है डॉल्फिन को बचाने के लिए। और किस विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क का बना रहा है, इस इलेक्ट्रॉनिक मास्क में किसका उपयोग किया जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग किया जाएगा, और जिसके प्रभाव के कारण वायरस की क्या हो सकती है, समाप्ति हो सकती है। तो यह था आज का टॉप 6 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन पसंद आया हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर इस प्लेटफॉर्म के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में टॉप 6 नए करंट के साथ, तब तक धन्यवाद।